साल 2017 में एस्ट्रोनॉमर्स ने मिल्की वे से एक चमकीले तारे को बहुत तेजी से गिरते हुए देखा। उसकी स्पीड करीब 20 लाख किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा कर रहे सूर्य से भी चार गुना तेज था। इसके एक चक्कर लगाने में लगभग 2250 लाख साल से भी ज्यादा का समय लगता है। खैर, चलिए अपने वंडर द स्टार पर वापस आते हैं। इस तारे से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये बाकी के उन सभी तारों की उल्टी दिशा में गिर रहा था जो आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक और अजीब बात, इसका दूसरे तारों से बिल्कुल अलग चीजों से बना होना था। खैर, एस्ट्रोनॉमर्स ने उन सब्सटेंस का पता लगा लिया था। ये मेटल्स के एटम्स यानी परमाणुओं से बना था। वहीं बाकी सितारे हल्के सब्सटेंस से बने होते हैं। इस भटकते सितारे को LP-40-365 नाम दिया गया। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पलक झपकते ही आकाशगंगा से गायब हो गया। इससे वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि स्पेस में ट्रेवल कर रहे इस स्टार को ब्रह्मांड की किसी दुर्घटना ने बाहर धकेल दिया है, बिल्कुल सुपरनोवा की तरह। सुपरनोवा स्पेस में हुआ अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट है, यानी किसी तारे में हुआ विस्फोट। ये किसी तारे के कोर हिस्से में रिवर्स ना हो पाने वाले बदलावों के कारण होता है। सुपरनोवा घटना दो वजह से घट सकती है, बाइनरी स्टार सिस्टम में और सिंगल तारा होने पर। बाइनरी स्टार्स दो स्टार्स होते हैं जो एक ही केंद्र की परिक्रमा करते हैं। एक समय पर इनमें से एक बेहद चमकीला तारा यानी व्हाइट ड्वार्फ खुद ही सब्सटेंस जमा करने लगता है, और जब सब्सटेंस बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है तो फट जाता है और सुपरनोवा घटना होती है। या फिर ये सिंगल तारा भी हो सकता है जिसका अंत करीब हो और जिसका फ्यूल खत्म हो चुका हो। इसके सेंटर में मास यानी द्रव्यमान का बहाव ज्यादा हो गया हो। लास्ट में बीच का हिस्सा इतना भारी हो जाता है कि ये अपनी ग्रेविटी को सहन नहीं कर पाता और यही बीच वाला हिस्सा फट जाता है। इस समय सुपरनोवा से जबरदस्त ऊर्जा निकलती है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स अभी भी ये नहीं जान पाए हैं कि सुपरनोवा LP-40-365 अलग कैसे हो जाता है। इस बारे में सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम। क्या ये किसी तारे का कोई पार्टनर था जिसे सुपरनोवा की शॉक वेव ने बाहर धकेल दिया, या फटे हुए तारे का टुकड़ा था? जुटाए गए डेटा के आधार पर जो स्टडीज की गई उनमें सामने आया है कि व्हाइट ड्वार्फ अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमता है। एस्ट्रोनॉमर्स को काफी हद तक यकीन है कि LP-40-365 वाकई स्पेस के मलबे का ही एक हिस्सा है और पूरा स्टार नहीं है। स्पेस में भटकता ये छोटा टुकड़ा किसी बड़ी दुर्घटना से बना और स्पेस में तैरने लगा। इन नतीजों पर पहुंचने के बाद साइंटिस्ट ने कुछ अलग सा महसूस किया। शायद LP-40-365 के दूसरे तारों के बजाय इतने अलग फीचर्स होना इसके सुपरनोवा घटना के समय बनने की वजह से ही हो। भले ही ये घटना बिजली की तेजी से घटी, लेकिन तारे का पूरा रूप ही बदल दिया। ज्यादातर तारे हीलियम और हाइड्रोजन से बने होते हैं, लेकिन LP-40-365 इनसे काफी अलग है। इसमें मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और नियॉन जैसे भारी तत्व मौजूद हैं। ये सुपरनोवा घटना ही होगी जिसने इन परमाणुओं को तारे के रूप में बदल दिया। वैसे एस्ट्रोनॉमर्स हीलियम से भारी सभी तत्वों को मेटल यानी धातु की ही लिस्ट में रखते हैं। इसका मतलब है कि सुपरनोवा घटना के बाद LP-40-365 धातु का गोला बन गया। अभी तक इस तारे का अपना कोई ग्रह नहीं है, लेकिन नासा की ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जो अपने होस्ट स्टार्स के सामने से गुजरने वाले और उनकी रोशनी को धीमा करने वाले दूर के ग्रहों की तलाश में है, ने कुछ अजीब नोटिस किया। LP-40-365 चमकता है और फिर हर 8 घंटे 9 मिनट में इसकी चमक धीमी हो जाती है। इसका मतलब शायद ये टिमटिमा रहा है, लेकिन आमतौर पर तारे के टिमटिमाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। एक और सच ये भी है कि तारे की सतह बराबर नहीं होती, और जब ये घूमता है तो इसके सन स्पॉट्स भी व्यू में आते जाते रहते हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे एस्ट्रोनॉमर्स को तारे की स्पीड का पता लग सकता है। इससे ये समझना भी आसान हो जाता है कि लगभग 50 लाख साल पहले सुपरनोवा के समय क्या हुआ होगा। चमकदार नीला एक्सोप्लैनेट HD 18933 B
शांत और जाना पहचाना सा लगता है। ये पृथ्वी के जैसा नहीं है, लेकिन इसका ये रूप इसकी असलियत को छुपा लेता है। यहाँ 7,242 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, यानी साउंड की स्पीड से 7 गुनी तेज। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, यहाँ की चिलचिलाती गर्मी में कांच बरसता है। न्यूट्रॉन स्टार्स बड़े बड़े सितारों के फटे हुए बीच के हिस्से हैं। इनसे एक्सरे या रेडियो वेव्स निकलती हैं। लेकिन 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स ने इंफ्रारेड लाइट की एक अजीब सी लाइट देखी। ऐसा लग रहा था जैसे ये धरती से 800 प्रकाश वर्ष दूर किसी न्यूट्रॉन तारे से आ रही हो। सबसे बढ़िया थ्योरी यह है कि ये सिग्नल शायद तारों के चारों ओर की धूल के घेरे से बने थे, लेकिन अभी तक इस थ्योरी को सही साबित करने वाले सबूत नहीं मिले हैं। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह है। ये सूर्य के चारों ओर 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज स्पीड से घूम रहा है, यानी हमारे ग्रह से भी लगभग 40,000 मील प्रति घंटा ज्यादा तेजी से। यही वजह है कि बुध का एक साल पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है। बुध ही वो ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक परिक्रमा कर रहा है, इसलिए अगर आप इसकी उस सतह पर खड़े होते जो पृथ्वी के सबसे नजदीक होती, तो सूर्य पृथ्वी की तुलना में 3 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता। ब्लैक विडो पल्सर एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा है जो अपने लाइट वेट ब्राउन ड्वार्फ स्टार पार्टनर की एनर्जी को खींच रहा है। पल्सर जितना मटेरियल खींच रहा है उतना ही धीमा होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दूसरे तारे से जैसे जैसे एनर्जी निकल रही है उसकी एनर्जी और ब्राइटनेस कम होती जा रही है। सेंटोरस नक्षत्र में तारों की एक नर्सरी है। भले ही इस जगह को नर्सरी कहा जाता हो, लेकिन ये शांत और सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। यह हाइड्रोजन और छोटे छोटे नए तारों से बनी है और पृथ्वी से लगभग 6,500 प्रकाश वर्ष दूर नेब्यूला में है। नेब्यूला स्पेस में तैरती गैसेस और धूल का एक बड़ा बादल है। इंटेंस एनर्जी जो बेबी स्टार्स से निकलती है, इनसे ही हाइड्रोजन क्लाउड खतरनाक लाल रंग में चमकते हैं। यह एनर्जी इतनी पावरफुल है कि धूल के काले बादलों को ही निगल रही है। एस्ट्रोनॉमर्स उन्हें गर्म तवे पर मक्खन के टुकड़ों की तरह गायब होते देख सकते हैं। फार अवे नेपच्यून के आकार का एक्सोप्लैनेट ग्लीस 436b इसके एकदम अलग है। ये तपती गर्म बर्फ से बना है और ये बर्फ चल रही है। ये ग्रह सिर्फ 2 दिनों में रेड ड्वार्फ ग्लीस 436 का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका मतलब एक्सोप्लैनेट अपने मूल तारे के बहुत करीब ट्रैवल करता है। शायद यही कारण है कि इसका टेम्परेचर कभी 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं आता। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस ग्रह पर पानी और बर्फ बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिसे आइस एक्स कहा जाता है। और यकीन नहीं होता कि इतने ज्यादा तापमान के बावजूद भी ये बर्फ ठोस ही रहती है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये धरती से 318 गुना बड़ा है। ये सौर मंडल के दूसरे सभी ग्रहों को एक साथ मिलाने पर भी उनसे 2.5 गुना बड़ा रहेगा। लेकिन एक और बात है कि अगर गैसेस के इस प्लैनेट पर गैस की मात्रा बढ़ी तो ये छोटा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बढ़ा हुआ मास इसे डेंस बना देगा और ये खुद को ही खींचना शुरू कर देगा। एस्ट्रोनॉमर्स का दावा है कि बृहस्पति अब की तुलना में 4 गुना और बड़ा हो सकता है, लेकिन तब भी इसका साइज नहीं बदलेगा। DGST-1 गैलेक्सी भी आकाशगंगा जितनी ही बड़ी है, लेकिन ये न के बराबर दिखती है क्योंकि इसके तारे बहुत पतले और फैले हुए हैं। लेकिन जो चीज इस आकाशगंगा को इतना यूनिक बनाती है वो ये है कि ये अपने जैसी दूसरी आकाशगंगाओं से एकदम अलग है। दरअसल आकाशगंगाएं आमतौर पर समूह में रहती हैं। इसका मतलब DGST-1 एक अलग दौर में बनी थी, शायद बिग बैंग के सिर्फ 1 अरब साल बाद। अगर ये सच है तो आकाशगंगा एक रियल लिविंग फॉसिल यानी जीवाश्म है। शनि का चंद्रमा हाइपीरियन सौर मंडल के सबसे अजीब दिखने वाले चंद्रमाओं में से एक है। लेकिन स्पेस के इस पत्थर का देखने में यूनिक होना ही अजीब बात नहीं है, बल्कि झावा पत्थर जैसी इस चट्टान पर अनगिनत ज्वालामुखी के गड्ढे भी हैं जो अंतरिक्ष में बहने वाली
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज हो जाते हैं। पृथ्वी से लगभग 4000 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ग्रह भी है जो एक बड़ा सा हीरा लगता है। ये ग्रह अब तक ढूंढे जा चुके सभी ग्रहों से ज्यादा डेंस यानी घना है और यहाँ ज्यादातर कार्बन है। ये इतना घना है कि एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि इसके कार्बन में क्रिस्टल भी हो सकता है। कहने का मतलब इस ग्रह का थोड़ा बहुत हिस्सा हीरा है। सीरीज बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा उल्कापिंड है। इसका द्रव्यमान पूरी बेल्ट के द्रव्यमान का लगभग तिहाई हिस्सा है, लेकिन साथ ही ये यहाँ के बौने ग्रहों में सबसे छोटा है। ये एक अकेला ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में रहता है। साथ ही इनर सोलर सिस्टम का भी ये अकेला ड्वार्फ प्लैनेट है। एस्ट्रोनॉमर्स बृहस्पति को कभी कभी फेल्ड स्टार भी कहते हैं। गैस के इस बड़े से गोले में हीलियम और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका द्रव्यमान इतना नहीं होता कि इसके बीच के हिस्से में फ्यूजन रिएक्शन हो। ठीक इसी तरह से तारे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी से हाइड्रोजन परमाणु एक साथ चिपक जाते हैं, जिससे हीलियम बनती है। इस प्रोसेस में प्रकाश और गर्मी निकलती है। बृहस्पति भी न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू कर स्टार में बदल सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा अगर इसका मास 70 गुना बढ़ जाए। स्पेस बहुत शांत है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हवा नहीं है और साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड वेव्स को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अच्छा, इसलिए धरती पर इतना शोर है। अपने अन्य मिलते जुलते ब्लैक होल के विपरीत काल्पनिक मिनी ब्लैक होल काफी छोटे हो सकते हैं, यानी परमाणु जितने, लेकिन फिर भी इतनी छोटी सी चीज में हजारों सिडान जितना द्रव्यमान हो सकता है। एक थ्योरी का दावा है कि बिग बैंग के ठीक बाद बड़ी संख्या में माइक्रो ब्लैक होल बन सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि पृथ्वी से होकर रोजाना 1 से 2 छोटे ब्लैक होल गुजरते हैं। हर घंटे सूर्य धरती पर इतनी एनर्जी भेजता है जितनी का इस्तेमाल हम एक साल में भी नहीं कर पाएंगे। भले ही आज लोग 10 साल पहले के बजाय ज्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन ये फिर भी दुनिया की साल भर की बिजली का सिर्फ 0.7% ही है। ऐसे चंद्रमा भी हो सकते हैं जो शायद दूसरे चंद्रमाओं का चक्कर लगा रहे हों, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स अभी तक इस थ्योरी से सहमत नहीं हैं। ग्रह सितारों की परिक्रमा करते हैं और चंद्रमा ग्रहों की। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कहीं मून मून, जिन्हें सब मून, मूनैट और मून भी कहा जाता हो, भी हो। रिसर्चर्स का दावा है कि मून मून हो सकते हैं, लेकिन होस्ट मून काफी बड़ा होना चाहिए और मून मून काफी छोटा होना चाहिए। इन चंद्रमाओं और मेजबान ग्रह के बीच काफी दूरी भी होनी चाहिए। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी इसका गुरुत्वाकर्षण भी काफी पावरफुल होता है। यह हमारे ग्रह से 2.5 गुना ज्यादा है। एक बार गैस के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण ने कॉमेट शोमेकर लेवी 9 नाम के बड़े धूमकेतु को भी बीच से अलग कर दिया था। इसके बाद वो इस धूमकेतु के टुकड़ों को तुरंत निगल गया। अगर आप मंगल ग्रह के इक्वेटर पर खड़े हो तो पैरों के नीचे का टेम्परेचर तो बसंत के दिनों जितना ही गर्म महसूस होगा, लेकिन आपका सिर जम जाएगा। एक बार कुछ ग्रह अपने पेरेंट स्टार से बिछड़ गए और आकाशगंगा में तैरते हुए स्पेस में खो गए। उनमें से एक पृथ्वी से 200 प्रकाश वर्ष दूर तैर रहा है, वो बाकी सबसे अलग है। ये किसी ग्रह के साइज की कोई चीज है जिसका मैग्नेटिक फील्ड बृहस्पति से भी 200 गुना ज्यादा मजबूत है। ये फील्ड इतना शक्तिशाली है कि इसे ग्रह के एटमॉस्फेयर में हमेशा चमकते रहने वाली अलग अलग रंगों की लाइट आती है। यूरोपा भी बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है। भले ही ये धरती के चंद्रमा से छोटा हो, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा वाली गैस के इस बड़े से सैटेलाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बर्फ से ढका हुआ है और कहीं कहीं इसकी बर्फ बहुत चिकनी है, यानी आप यहाँ स्केटिंग भी कर सकते हैं और स्केटिंग की 3 फीट की छलांग से आप हवा में 22 फीट तक उछल सकते हैं। यूरोपा पर भी आप उसी स्पीड से लैंड करेंगे जितनी से धरती पर करते हैं। काइपर बेल्ट में एक ड्वार्फ ग्रह हाउमेया चक्कर लगा रहा है। इसकी अजीब सी लंबी शेप और 2 चंद्रमा हैं। इसका एक दिन 4 घंटे का होता है, यानी ये भी सौर मंडल में तेजी से घूमने वाला बड़ा ग्रह है। लेकिन हाउमेया
से जुड़ा बड़ा रहस्य ये है कि इसके चारों ओर एक पतला यानी 64 किलोमीटर का एक घेरा है। एस्ट्रोनॉमर्स अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि इस प्लैनेट के चारों ओर ये घेरा कैसे और क्यों दिखाई दिया। बृहस्पति के इक्वेटर के आर पार 11 पृथ्वी फिट हो सकती हैं, और अगर हमारा ग्रह एक अंगूर के बराबर होता तो गैस का ये बड़ा सा गोला एक बास्केटबॉल के बराबर होता है। 9 स्पेसक्राफ्ट अब तक बृहस्पति पर विजिट कर चुके हैं, उनमें से 7 सिर्फ आसपास उड़े, 2 ने इस बड़े ग्रह की परिक्रमा की, उनमें से आखिरी जूनो 2016 में बृहस्पति पर गया था। संभावना है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर ज्वालामुखी के गड्ढे पूरे सौर मंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक हैं। गड्ढों वाली ये सतह हमेशा छाया में रहती है, इसी वजह से यहाँ का तापमान कभी भी 397 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाता, यहाँ तक कि दिन के समय में भी। अगर आप प्लूटो पर प्लेन ले जाने का फैसला करते हैं तो आपको वहां तक पहुंचने में कम से कम 800 साल लगेंगे। सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत वेस्टा नाम के एस्ट्रॉइड पर मिलेगा। इसकी ऊंचाई पर्वत की सतह से लगभग 22 किलोमीटर ऊपर है। ये राइसिल्विया पहाड़ एवरेस्ट से लगभग 3 गुना लंबा है। शनि के छल्ले यानी सैटर्न रिंग्स एक बार में नहीं मिल गए थे, ये एक एक करके मिले, इसलिए साइंटिस्ट को ये जिस क्रम में मिले उनका नाम उसी के हिसाब से रख दिया गया। अब ये इस तरह से हैं: DCBAFG और E। शुक्र ग्रह का एक दिन धरती के लगभग 243 दिनों के बराबर होता है, यानी धरती के दिनों के हिसाब से आपको वीकेंड के लिए 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। सूर्य के इक्वेटर पर टर्मिनेटर इवेंट्स नाम की एक सौर घटना घटने जा रही है। विनाशकारी मैग्नेटिक फील्ड के टकराने से प्लाज्मा की खतरनाक जुड़वां सुनामी आती है। ये 1000 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए सूर्य की सतह को चीर देती है। ये सुनामी एक हफ्ता रह सकती है और लगभग 10 साल में एक बार रिपीट हो सकती है। नेपच्यून पर सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। ये ज्यादातर 2574 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। ऐसे तूफान हमारी पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं। रात के समय आकाश में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारों में से 18वां तारा यानी फोमल हॉट बेहद डरावना है। इसे द आई ऑफ सौरन भी कहा जाता है। इसके चारों ओर धूल और मलबे के घेरे से बनी आंख ऐसी दिखती है जैसे ये आपको घूर रही हो। इस डरावने तारे का मास सूर्य के मास का भी 2 गुना है। ये हमारी पृथ्वी से 25 प्रकाश वर्ष दूर है, जो अंतरिक्ष की दूरियों के हिसाब से ज्यादा दूर नहीं है। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। अगले 3 से 5 करोड़ सालों में ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल फोबोस को तोड़कर अलग कर देंगे और शायद इसके बाद मंगल के चारों ओर एक घेरा बन जाएगा। कार के साइज का एक एस्ट्रॉइड हर साल हमारे ग्रह के वायुमंडल में आता है। अगर ऐसा एक भी एस्ट्रॉइड धरती से टकरा जाए तो वो किसी छोटे शहर को पूरी तरह तहस नहस कर सकता है। इसके गिरने से तेज धूल और धुआं उठेगा जो सूर्य की रोशनी को सतह पर पहुंचने नहीं देगा। इससे पूरी दुनिया का तापमान गिर जाएगा और जलवायु बदल जाएगी। पर घबराइए मत, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये उल्कापिंड धरती की सतह के करीब आने से पहले ही हवा में जल जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट से निकलने वाला रेडियो सिग्नल जब पृथ्वी से कांटेक्ट करता है तो वो फ्रिज की लाइट से भी हल्का होता है। जब तक सिग्नल हमारे ग्रह तक पहुंचता है तब तक इसकी पावर 1 वॉट के 1/1000वें हिस्से का महज 1/1000वां हिस्सा ही रह जाती है। लेकिन इन कमजोर सिग्नल को कैच करने वाले एंटेना बहुत बड़े होते हैं। डीप स्पेस नेटवर्क जो स्पेसक्राफ्ट के सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है, इनमें डिश एंटेना लगे होते हैं। ये 230 फीट की रेंज तक माप सकते हैं, यानी सॉकर फील्ड की चौड़ाई से भी ज्यादा। 1999 में नासा का एक मार्स ऑर्बिटर खो गया क्योंकि एक इंजीनियरिंग टीम मैट्रिक्स सिस्टम से काम कर रही थी और दूसरी इंपीरियल सिस्टम से। नेब्यूला गैस और धूल के बड़े बड़े बदल होते हैं। धीरे धीरे ग्रेविटी धूल और गैस के इन गुच्छों को आपस में चिपका देती है, जिससे ये और भी बड़े हो जाते हैं, जिससे इनकी ग्रेविटी और भी मजबूत हो जाती है। एक दिन नेब्यूला का द्रव्यमान इतना ज्यादा हो जाता है कि ये अपनी ही ग्रेविटी में टूटकर नया तारा बन जाता है। लगभग
4000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर किसी वृश्चिक तारामंडल स्कॉर्पियन कॉन्स्टेलेशन में बटरफ्लाई नेब्यूला है। इसके पंख 3 प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा जगह में फैले हैं और नेब्यूला की भीतरी स्ट्रक्चर अब तक की सबसे टफ स्ट्रक्चर में से एक है। नेब्यूला के केंद्र में जो तारा यानी व्हाइट ड्वार्फ है वो 4,50,000 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म रहता है, यानी ये किसी बड़े तारे से ही बना है। वो शायद हमारे सूर्य से भी 5 गुना बड़ा तारा होगा। व्हाइट ड्वार्फ भूमध्य रेखा पर धूल और गैस की एक मोटी डिस्क से घिरा हुआ है। शायद इसी वजह से ये अवर ग्लास या तितली की तरह दिखता है। अगर हम सोलर सिस्टम के ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स को एक साथ मिला दें तो इनका कुल मास हमारे चंद्रमा के मास के 10% से ज्यादा नहीं हो पाएगा। अंतरिक्ष में पानी की भाप से बना एक बादल भी तैर रहा है। इसने पृथ्वी से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को घेर रखा है। बादल के पास हमारी धरती के पानी से 1400 खरब गुना ज्यादा पानी है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये बादल स्पेस के 1.6 अरब साल बाद दिखाई दिया। स्पेस में सबसे ज्यादा ठोस न्यूट्रॉन स्टार्स हैं। उनका साइज तो धरती के किसी छोटे शहर जितना ही होगा, लेकिन उनका मास सूर्य के मास से लगभग 1.4 गुना ज्यादा है। न्यूट्रॉन स्टार के मटेरियल की सिर्फ एक छोटी चम्मच का वजन 1 अरब टन होगा और एक न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी से 2 अरब गुना ज्यादा मजबूत है। 1993 में गैलीलियो अंतरिक्ष शोध यान एक छोटे से एस्ट्रॉइड से गुजर रहा था। इसने 32 किलोमीटर की दूरी से ही इस उल्कापिंड के महज 1.5 किलोमीटर चौड़ाई वाले चांद को नोटिस कर लिया। तभी से एस्ट्रोनॉमर्स को सौर मंडल में छोटे ग्रहों की परिक्रमा करते अनगिनत चंद्रमाओं की जानकारी मिली। हम सूर्य के अंदर ही रहते हैं, इसका वातावरण दिखने वाली सतह से काफी आगे तक फैला है और हमारा ग्रह इसकी सीमा के अंदर ही है। इसी वजह से हमें सौर हवा के झोंकों से उत्तर और दक्षिण दिशा की रोशनी के खूबसूरत शेड्स देखने को मिलते हैं।